कितने थे? हम 30 थे सरदार। तू और तुम 30, मतलब एक उनका ज्यादा था? नहीं सरदार, हमारा ज्यादा था, हम 30 थे ना। इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारा एक काम होता तो बराबर होता। उनका एक चासी होता तो बराबर। तो और उत्ती मतलब मतलब एक एक्स्ट्रा था। क्या है बिजली? जब ये दो आदमी जा रहे थे तो तुझे उनके साथ सड़क पर जाना जरूरी था क्या? दोस्त की सगाई हो रही बोल बिजली बोल। सरदार हमारा क्या के लिए नहीं है थे जो हम पार्टनर ढूंढते? आप ही ने तो कहा था दोस्त वाले थी। अरे सरजू, ये दो कितने होते हैं? सरदार और ये दोनों मिलाकर दो होते हैं। दो दो और तीन कितने होते हैं? दो में दो मतलब तीन होते हैं। तीन बहुत कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन है भैया। आपकी कंफ्यूजन है कहना तक तुमसे नहीं है सरकार। अगर आप थोड़ा पढ़ लेते तो ये नौबत नहीं आती। ऊपर से ठाकुर का हाथ भी काट दिया है, सबको बताना जरूरी है। सॉरी सरदार। हाँ होली कर क्या? बोली क्या? बोली क्या? बोली चार को तो चार के दो के बाद आता है या तीन के पहले? और जाने के लिए
यार अल्लाह यहाँ पर क्या हो गया है? लगता है कोई हादसा हो गया है, मुझे पास से जाकर देखना चाहिए। अरे यहाँ तो बम ब्लास्ट हुआ है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। उठो बाजी उठो, तुम तो क्रिश्चियन हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हाँ बाजी, तुम मुझे मुसलमान लगती हो। उठो बाजी उठो, चलो।
मेरे भाइयों, हम सबसे बड़े धर्म इंसानियत को तो भूल ही गए थे।
गुजरातियों ने भी अपनी लोक परंपरा को आज भी संजो कर रखा है। कहते हैं उन लोगों का नृत्य बहुत ही आकर्षक होता है। चलो देखते चलते हैं।